नहीं देखिए, वो तो कानूनी जो उसमें जो धाराएं हैं उसमें जो सज़ा 2 साल है तय कि 2 साल में जिसकी भी सज़ा जिसको हुई उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है, स्वतः समाप्त हो जाती है। पर ये पूरी तरीके से राहुल गांधी जी को कैसे पार्लियामेंट के अंदर वो बोले ना, जो राहुल गांधी जी लगातार डिमांड कर रहे हैं कि मेरे ऊपर जो एलिगेशंस लगाया, चार चार मंत्रियों ने आरोप लगाया, उसका हमको जवाब, हमको बोलने का अवसर दिया जाए, राहुल गांधी जी ना बोल पावे, तो जल्दबाजी में फटफट जल्द बहुत तुरंत डिसीजन इसको लेकर सदस्यता की इनको पार्लियामेंट में ना नहीं दिया जाए, सदस्यता समाप्त किया गया है। मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जी निश्चित तौर से मजबूती के साथ खड़े हैं, उनके साथ कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति खड़ा है राहुल गांधी के साथ। हम लोग राहुल गांधी के साथ, उनके मजबूत सिपाही हैं, उनके साथ खड़े हैं। लोकतंत्र पर कुठाराघात बताया जा रहा है, लोग हत्या बता रहे हैं, इसको लेकर विपक्ष के कई सारे नेता सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो क्या इसमें बीजेपी को भी दोषी आप लोग मान रहे हैं कि बीजेपी की वजह से सारी चीज़ें? अरे राहुल जी की बात तो सुनना चाहिए था आपको, अगर उनकी सदस्यता आप इतना जल्दबाजी में निर्णय आपने लिया, राहुल जी की बात को सुन लेते, चार चार मंत्रियों ने आरोप लगाया और उनकी बात को सुनना चाहिए था आपको। न्यायपालिका का हम सब लोग सम्मान करते हैं, न्यायपालिका का प्रत्येक व्यक्ति सम्मान करता है, पर आपको सदस्यता निर्णय लोकसभा को लेना था, अध्यक्ष को लेना था, इन्होंने तत्काल सदस्यता समाप्त की, तो ये निश्चित तौर से राहुल जी को जो वो बोलना चाहते थे, जो पक्ष रखना चाहते हैं, वो पक्ष रखने से घबरा रहे हैं, इस नाते जल्दबाजी में निर्णय लिया गया है और पूरी तरीके से लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए ये पूरी इनकी साजिश है। अब कांग्रेस के अंदर जो आप लोग हैं, किस तरीके से आगे क्या रहेगा, अब इसमें नेतृत्व तय करेगा आगे की लड़ाई का, और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि इसमें न्यायपालिका का में लोग जाएंगे, जो माननीय उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय, अब वो तय करेगी पार्टी कहाँ कैसे क्या करना है, उस पर आगे कानूनी कार्रवाई करेगी निश्चित, जैसा पार्टी का जो दिशा निर्देश होगा। हमारा हमने कहा एक एक कार्यकर्ता राहुल जी के साथ खड़ा है, हम सब लोग जो निर्देश दिशा निर्देश ऊपर से मिलेंगे उसको 100% हम लोग पालन करेंगे। डरपोक तानाशाह जिसे 9 सालों से संसद में जिस आवाज से सबसे ज्यादा डर लगता था, क्योंकि वो आवाज जब उठती थी तो नौजवानों के सवाल होते थे, उस आवाज में किसानों का दर्द होता था, उस आवाज में देश के आम आदमी की समस्याएं होती थी जिनके सवाल इस तानाशाह सरकार के पास नहीं, उस आवाज में इन लुटेरे उद्योगपतियों जिनको बीजेपी के नेताओं ने देश के आम आदमी का पैसा लुटवाकर विदेश में भगाने में मदद की, उस आवाज को फिलहाल में जो खामोश कराने की कोशिश है, देश का जनमानस इसे देख रहा है। आने वाले समय में इस लड़ाई को हम कानूनी तौर पे और राजनीतिक तौर पे दोनों तरीके से लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी इस बात को समझ ले कि उन्होंने इतिहास को दोहराने की कोशिश की है। इंदिरा गांधी जी की सदस्यता उन्होंने खारिज कराई थी, उसके बाद देश के जनमानस ने उन्हें सत्ता में पहुंचाया था, आज राहुल गांधी जी की सदस्यता खारिज कराई, देश के दिलों से गांधी परिवार के प्रति जो प्यार है उसे कहां से हटा पाओगे, लेकिन जो सवाल है वो रुकने वाले नहीं, राहुल गांधी जी की आवाज खामोश नहीं कर पाओगे। अडानी ने जो देश को लूटा है, मेहुल चौकसी नीरव मोदी ने जो देश को लूटा है, उस पर देश सवाल कर रहा है, राहुल गांधी जी की आवाज खामोश होने वाली नहीं है, आने वाले समय में ये लड़ाई और बड़ी होगी, बीजेपी को हिसाब किताब देना होगा।